नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy S21 versus Apple iPhone 13 mini का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy S21 में 5.97 इंच जबकि iPhone 13 mini में 5.18 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy S21 से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy S21 में 2.8 इंच जबकि iPhone 13 mini में 2.53 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy S21 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy S21 में 0.31 इंच जबकि iPhone 13 mini में 0.3 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy S21 में 171 ग्राम जबकि iPhone 13 mini में 140 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy S21 में डायनामिक AMOLED जबकि iPhone 13 mini में OLED की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Galaxy S21 में 20:9 जबकि iPhone 13 mini में 19:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy S21 में 6.2 इंचेस जबकि iPhone 13 mini में 5.4 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy S21 में 1080x2400 और iPhone 13 mini में 1080x2340 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy S21 में 85.92% जबकि iPhone 13 mini में 84.6% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy S21 में 424 पिक्सेल प्रति इंच जबकि iPhone 13 mini में 477 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy S21 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है और iPhone 13 mini की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy S21 में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और iPhone 13 mini की बात करें तो उसमें 11 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy S21 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और iPhone 13 mini में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 7 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy S21 में Mali G78MP14 जबकि iPhone 13 mini में Apple GPU 4-core graphics मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy S21 में Samsung Exynos 2100 और iPhone 13 mini में Apple Bionic मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy S21 में 8GB की RAM मिलती है जबकि iPhone 13 mini में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy S21 में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि iPhone 13 mini में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 256GB, 512GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy S21 में Android V11 जबकि iPhone 13 mini में iOS V15 देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy S21 में 3 कलर्स जबकि
iPhone 13 mini में 5 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Galaxy S21 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 73,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें iPhone 13 mini की तो उसमें तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 69,900 रुपीस, 6GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 79,900 रुपीस, 6GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 99,900 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S21 है जो कि 66,470 रुपए में मिलता है। दूसरा सैमसंग गैलेक्सी S25 है जो कि 37,990 रुपए में मिलता है। तीसरा सैमसंग गैलेक्सी S21 अल्ट्रा है जो कि 93,150 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S21 प्लस है जो कि 79,990 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।